हमारे यहाँ था कि जो मतदाता में चुनाव शुरू हुआ और चुनाव वोटिंग की एक रात पहले तक जिस ढंग से वर्तमान में जो MLA है उनके पुत्र इनके द्वारा जो गुंडागर्दी थी वो और पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ पक्षपातपूर्ण तरीके से एज अ BJP के एजेंट के रूप में काम कर रहा था उसकी उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जो साड़ी पकड़ी जिस व्यक्ति ने पकड़ी उसके साथ इन्हें छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। जो कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई वो 5-5 घंटे रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में बैठे रहे और जिसने साड़ी पकड़ी और उस साथ मारपीट हुई वो तो 9 घंटे तक बैठा रहा। कोई भी आदमी जाएगा चौकी में, चौकी प्रभारी या जो TIO बार बार बाहर जा रहा बात कर रहा है और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं। पूरे चुनाव में जब जब भी हमने इनको खबर करी इनका कोई भी आदमी समय पे वहाँ पहुँचा नहीं। मतलब कुल मिला के जितने भी वहाँ पे मोदी थाना हो कि पुनासा चौकी हो कि नर्मदा नगर हो SDOP हो ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और 2 बजे रात की घटना पुनासा की है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब मारपीट हुई और वो थाने गए तो थाने में आप 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पुनासा चौकी में कोई भी व्यक्ति नहीं था। मेरे साथ घटना में वहाँ गया कोई भी नहीं था। फिर बाद में इनका फ़ोन लगा और आदमी जब वहाँ गया तो बड़ी मुश्किल से सुबह तक उनने फिर उसमें उसकी रिपोर्ट लिखी या सुनी। हमारे लोगों को उनने वहाँ से भगा दिया गाली दे के। जिसको गाली दी वो इलेक्शन एजेंट थे मेरे, वो सम्मानित व्यक्ति हैं और अवैधानिक भाषाओं का उपयोग किया जब जो मैं आपको माइक पे बता नहीं सकता। क्या कहीं शिकायत की आपने थी? मैंने उस समय SP साहब को भी बोला और उनको भी ये बोला कि पुलिस जो है बायस्ड काम कर रही है और अनैतिक काम कर रही है। एडिशनल SP को तो मैंने यहाँ भी यहाँ तक बोला कि ऐसा क्या हो गया कि 2 से 4 के बीच में और स्पेशली वो जो 2 और 2.5 के बीच में जहाँ एक साथ 5 जगह लड़ाइयाँ हुई है उन जगहों पे पुलिस के अधिकारी किसी को भी फ़ोन किया किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा। सिंधे चौक की प्रभारी पुनासा, SDOP थाने का जो इंचार्ज नर्मदा नगर और इवन SP साहब को भी मैंने फ़ोन लगाया उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। बाद में इनका फ़ोन चालू हुआ तो बोले हम आउट ऑफ कवरेज में थे, यहाँ थे वहाँ थे। तो कुल मिला के सिर्फ बहानेबाजी है। ये बताइए कि अगर सरकार बनती है तो किस तरह का उसकी सर्जरी की जाएगी या किस तरह का पहला काम कोई होगा तो प्रशासनिक सर्जरी का ही होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं चुनाव में उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई तो करवाना चाहिए। क्योंकि नहीं ऐसा नहीं होता ना, आप विद इन चुनाव में जो हो सकता है वो किया। जो आदमी का वीडियो है साथ में खड़ा है वो अभी तक जो है वहीं पदस्थ है, जांच कर रहे हैं तो जांच कब तक करोगे आप? चुनाव आयोग में कंप्लेंट करी, चुनाव आयोग से उनके पास आई तो अभी तक जांच ही चल रही है। वो तो सिर्फ कुल मिला के सब समय काटने वाली बात है। हमारा तो ये था कि ये ऐसी राजनीति और इस ढंग का प्रशासन का व्यवहार जो है किससे आप संबंधित उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां हमारा आदमी थाने में जा रहा है उसको लाठीचार्ज करके भगा रहे हो,
परिणाम तो उनके पक्ष में बांधे ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, मानदाता तो हम निश्चित जीत रहे हैं। बात उसकी नहीं, बात यह है कि आपके माध्यम से ये बताने की भी ज़रूरत है कि जो पिछले दो दिन स्पेशली नामांकन के समय से लेकर आखिरी तक जिस कदर की गुंडागर्दी थी और उस वो गुंडागर्दी के साथ प्रशासन और पुलिस महकमा लगा हुआ, सरकार बनने के बाद इलाज होगा कि लोग, मैंने आपको बोला ना सबसे पहले कोई काम होगा तो हम यही करेंगे। ठीक।